जब भी पढ़ने बैठो ऐसे पढ़ने बैठो जैसे कि तुम एग्जाम देने बैठे हो। तुम अपने घर के रूम में नहीं एग्जाम हॉल में बैठे हो। तुम्हारे पास तुम्हारी किताबें और तुम्हारे नोटबुक नहीं, तुम्हारे पास एग्जाम शीट और क्वेश्चन पेपर है। और अपने दिमाग को ऐसे दौड़ाओ जैसे कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। खुद को टारगेट दे के काम करवाओ, खुद को जानबूझ के मुश्किल में डालो और खुद को टाइम में बांधो। इतनी देर में इस काम को करने का मैं चैलेंज लेता हूँ। प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ती है और दिमाग को जितना मुश्किल में डालो वह उतना ही उससे निकलने का आसान रास्ता ढूंढता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके पीछे ये भी रीज़न है कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं। तुम एग्ज़ाम में जाने से कभी मना नहीं कर सकते और ना ही तुम ये बोल सकते हो कि आज मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, कल एग्ज़ाम देने जाता हूँ। मर्जी तुम्हारी है, खुद को जैसा बनाओगे वैसा बन जाओगे। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती, कि देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। जिनको पढ़ना नहीं होता, मैंने अक्सर उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहाने बनाते देखा है। जो बहाने बनाते हैं वो ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं चाहते, और जिनको सच में पढ़ना होता है वो कभी बहाने नहीं बनाते। कि जिनकी आँखों में सपने हैं उनके दिल में हमेशा उम्मीद होती है, और जिनके दिल में उम्मीद होती है वो कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करते।